किसी ने क्या खूब कहा है, अगर शत्रु में भी कोई गुण दिखे, अगर शत्रु में भी कोई गुण दिखे तो उसे अपना लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है दोस्तों आपको नए YouTube चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों का 18 सितंबर दिन शनिवार कैसे रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और कन्या राशि वालों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कन्या राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसे रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसे रहेगा, उनका प्रेम संबंध कैसे रहेगा और उनका स्वास्थ्य कैसे रहेगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आय का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी कन्या राशि है तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज शनिवार है, शनिदेव महाराज का दिन है। दोस्तों कमेंट में जय शनिदेव महाराज जरूर लिखना। दोस्तों जो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करेगा शनिदेव महाराज आपकी शुभ कामना पूरी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार संतान यदि योग्य हो तो व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। संतान को योग्य बनाने की प्रथम जिम्मेदारी माता पिता की होती है। इस जिम्मेदारी को हर माता पिता को बहुत ही गंभीरता से पूरी करनी चाहिए। जो माता पिता इस जिम्मेदारी पर खड़ा उतरते हैं वे भाग्यशाली होते हैं, ऐसे माता पिता को मान सम्मान प्राप्त होता है। चाणक्य के अनुसार योगी संतान सिर्फ माता पिता का सिर गर्भ से ऊंचा नहीं करता बल्कि राष्ट्र के निर्माण में भी अपना अहम योगदान प्रदान करता है। संतान को योग्य बनाने में घर के वातावरण की सबसे अहम भूमिका होती है, इसलिए सर्वप्रथम घर में आदर्श वातावरण बनाने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि संतान सबसे पहले अपने आसपास होने वाली घटना और चीजों से अधिक प्रभावित होती है। इसके साथ ही इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। नंबर एक, संस्कार। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य नीति कहती है कि संस्कार बच्चों की व्यवस्था निर्माण करते हैं। संस्कार संतान को अपने माता पिता से ही मिलते हैं, इसलिए माता पिता को हमेशा बच्चों को श्रेष्ठ गुणों को अपनाने पर बल देना चाहिए। श्रेष्ठ गुण को अपनाकर ही जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए संस्कार के मामले में माता पिता को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। हर संभव प्रयासों से बच्चों को अच्छे संस्कार देने का प्रयास करना चाहिए। नंबर दो, शिक्षा। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य नीति कहती है कि संस्कार के बाद बच्चों की शिक्षा पर माता पिता का विशेष ध्यान देना चाहिए। शिक्षा और संस्कार एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा जब संस्कारों से युक्त होती है तो व्यक्ति का आचरण श्रेष्ठ और अनुकरणीय होता है। ऐसे व्यक्ति को हर स्थान पर सम्मान प्राप्त होता है, इसलिए माता पिता को संतान को उत्तम शिक्षा दिलाने के लिए गंभीर रहना चाहिए। दोस्तों आय का चाणक्य नीति ज्ञान आपको पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो दोस्तों हमेशा की तरह एक लाइक जरूर करना। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों आय के पंचांग के बारे में। आय का पंचांग है 18 सितंबर 2021 दिन शनिवार। आय की तिथि है द्वादशी तिथि। आय का नक्षत्र है घनिष्ठ नक्षत्र। पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। ऋतु चल रहा है शरद ऋतु। आज सूर्योदय होगा सुबह 6:07 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:23 पर। दोस्तों आय का शुभ समय है सुबह 11:50 से दोपहर 12:39 तक रहेगा और आय का अशुभ समय है सुबह 6:07 से 7:45 तक रहेगा। दोस्तों आय कन्या राशि वालों का लक्की नंबर है 1। अब बात करते हैं दोस्तों आय कन्या राशि वालों के बारे में, कैसा रहेगा आपका आय का दिन आय जानते हैं। कन्या राशि वाले, आय गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा दिन नहीं है। चलते फिरते समय खास ख्याल रखने की जरूरत है। आय बिना किसी की मदद के आप धन कमा पाने में सक्षम हो पाएंगे। प्यार मेलजोल और आपसी जुड़ाव में इजाफा होगा। बाहरी चीजों का भी आय कोई खास मायने आपके लिए नहीं बचा है क्योंकि आप खुद को हमेशा प्यार की खुमारी महसूस करते हैं। आप खुद को समय देना जानते हैं और आज तो आपको काफी खाली समय मिलने की संभावना है। खाली समय में आज आप कोई खेल खेल सकते हैं या जिम भी जा सकते हैं। जिंदगी बहुत खूबसूरत नजर आएगी क्योंकि जब आपकी जीवन साथी ने आपके लिए कुछ खास योजना बनाई है। दोस्तों के साथ फोन पर गपशप से बढ़िया और क्या हो सकता है, इससे आपकी उपभी दूर हो जाएगी। जिस प्रकार से योजना बनाकर आप कार्य करते आए हैं उसकी वजह से जीवन में डिसिप्लिन बनाए रखना आसान होगा। परिवार और काम की जगह स्थिरता महसूस होगी। फिलहाल किसी भी बात की चिंता या तनाव आपको महसूस नहीं होगा। इसे खुद को अधिक बेहतरीन बनाने के लिए इस वक्त का उपयोग करना जरूरी है। कारोबार में नई सफलता उपलब्धियां आपकी प्रतीक्षा कर रही है। काम काज को लेकर आपकी योजनाएं सफल रहेंगी परंतु सहकर्मियों की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें। मार्केटिंग संबंधी कार्यों के लिए भी कोई योजना कामयाब रहेगी। पारिवारिक सुख शांति के लिहाज से समय उत्तम है। किसी विपरीत लिंगी मित्र से अत्यधिक घनिष्ठता होने से आपके प्रति अफवाहें फैल सकती हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। नए इनकम सोर्स प्राप्त होने वाले हैं जिससे आपकी आय बढ़ेगी। घरेलू स्तर पर आपको तालमेल बिठाकर चलना होगा। इस दौरान आप अपने लिए कुछ नए वस्त्रों की खरीदारी कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव लगे रह सकते हैं। प्रेम जीवन के लिए समय बहुत ही बेहतर नजर आ रहा है। प्रेमी के साथ आप किसी सुंदर स्थल व आनंददायक भोजन का लुत्फ उठा सकते हैं। सेहत को लेकर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो लोग मधुमेह के शिकार हैं उन्हें अपने सेहत पर ध्यान देना चाहिए। कार्य क्षेत्र में आप काफी ऊर्जावान बने रहेंगे। छात्रों के लिए समय प्रगतिशील रहेगा। परीक्षा परिणाम उनके हक में रहने की संभावना है। प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस कर रहे जातकों को अच्छा लाभ मिल सकता है। अगर पैसे को आप प्रॉपर्टी के रूप में इन्वेस्ट करें तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। आज आसमानी रंग के वस्त्र पहनने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। नारंगी रंग इसका उल्टा असर कर सकता है। कन्या राशि वाले, आय वाणी पर नियंत्रण रखें। चिंता व तनाव रहेंगे। स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा। व्यवसाय ठीक चलेगा। आय में निश्चितता रहेगी। लाभ होगा। दुखद समाचार मिल सकता है। धैर्य रखें। फालतू खर्च होगा।
कुसंगति से बचें, बेकार की बातों पर ध्यान ना दें, अपने काम पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। दोस्तों आय का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। घरेलू कार्यों को पूरा करने में पड़ोसियों का सहयोग मिल सकता है। शादीशुदा लोग अपने गृहस्थ जीवन में संतुष्ट नजर आएंगे। प्रेम जीवन बिता रहे लोग अपने रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। आज धन की बचत को लेकर आपको ठोस कदम उठाने होंगे। वर्तमान समय में गोल्ड में निवेश करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। प्रॉपर्टी डीलर को पुरानी जमीन से काफी धन लाभ मिलने के योग बने हुए। महत्वपूर्ण मीटिंग और काम करने के लिए आय का दिन शुभ है। विदेश में मिल रहे काम का अवसर आपको लाभदायी महसूस हो सकता है। सेहत को सुधारने के लिए योग्य डॉक्टर का मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। यात्रा करते समय सुनिश्चित करें कि आप हमेशा अपने साथ एक अतिरिक्त कैमरा लाएं। आज यातायात में सावधानी जरूरी है। आज आपको अपनी बुद्धिमत्ता एवं योग्यता का पूरा लाभ हासिल होगा। अपनी बोलचाल में मिठास बनाए रखना आपकी आदत है, इसलिए आपका विरोधी भी आपकी बुराई करने से डरेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और कर्ज से छुटकारा मिलेगा। लव लाइफ में थोड़ा तनाव संभव है। स्वास्थ्य से कष्ट मिलेगा। घूमने फिरने के लिए समय अच्छा है। पार्टनर से संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। काम काज में रुकावटें आ सकती हैं। आज आपका मन रचनात्मक कार्यों में लगेगा। आपको धन लाभ होने की भी अपार संभावना है। पर ध्यान रहे, आज यात्रा के लिए दिन बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। तो अगर आज यात्रा को टाल दें तो अच्छा है, और अगर यात्रा बहुत ही अनिवार्य है तो पूरी सावधानी के साथ करें। आज आपका जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। आप अपनी मीठी और चिकनी चुपड़ी बातों से अपने प्रियतम का दिल जीतने में सफल रहेंगे। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। आपको परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आज दिन भर के दौरान आप काम का दबाव बढ़ता रहेगा, इसके कारण आपको अपने कार्य को पूरा करने में विलंब का सामना करना पड़ सकता है। आपकी दिनचर्या अनिष्ट और उद्विग्नता का कारण भंग हो सकती है। बड़े और प्रमुख निर्णय लेने से बचें। आज स्वास्थ्य माध्यम रहेगा। आप संक्रमण के प्रति अति संवेदनशील रहेंगे। आपको स्वयं के लिए वक्त नहीं मिल पाएगा, परंतु इस स्थिति का आनंद उठा पाएंगे। धन संबंधी योजनाएं सफल होंगी। संतान के विवाह, करियर आदि संबंधी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। पारिवारिक किसी व्यक्ति के साथ कोई वाद विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए वातावरण नकारात्मक बना रहेगा, परंतु आपकी सूझबूझ से जल्दी समस्या का समाधान भी निकलेगा। कुछ समय अच्छी पुस्तकों पढ़ने में व्यतीत करें। कन्या राशि वालों के लिए ये दिन पारिवारिक जीवन की दृष्टि से अच्छा रहेगा। परिवार के सदस्यों में तालमेल बहुत अच्छा रहने वाला है। एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना रहेगी। आपस में प्रेम भाव बढ़ेगा, जिससे परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। परिवार में कोई आयोजन भी हो सकता है, जिससे प्रसन्नता में और वृद्धि हो सकती है। हालांकि आपकी कुंडली के ग्रह गोचर इस बात का भी संकेत करते हैं कि इस सुख में थोड़ा खलल भी पड़ सकता है। आपके भाई बहनों को स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन ये कोई ज्यादा चिंताजनक से बात नहीं होगी। बस उनका थोड़ा सा ध्यान रखें और इस अच्छे समय का आनंद लें। दोस्तों ये था कन्या राशि वालों का राशिफल। दोस्तों आज शनिवार है, शनिदेव महाराज का दिन है। दोस्तों घर में रहकर अगर आप सच्चे मन से शनिदेव महाराज की पूजा आराधना करते हैं तो शनिदेव महाराज आपकी जरूर सुनेंगे और आपके सभी कष्ट दूर करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और रोहित कन्या राशिफल देखने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन और पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।